चाहती हूँ प्रभु, दिल की गहराइयों से पूछती हूँ तुझे, दिल के अरमानों से। आज मैटिल्डा थॉमस एक प्लेबैक सिंगर हैं। उन्होंने मलयालम और हिंदी में 30 से अधिक एल्बम और 3 मलयालम फिल्मों में भी गाया है। आइए देखें कि आज एक प्रशंसित गायिका बनने के लिए मैटिल्डा ने कैसे अपना लक्ष्य निर्धारित किया। ये जानने के लिए एक नई जिंदगी टीम दिल्ली NCR पहुंची उनसे मुलाकात करने। मेरे पापा मम्मी ने मुझे 3 साल की उम्र से ही संगीत सिखाने भेजा था। मैं अभी भी सीखती हूँ और चर्च क्वायर में और चर्च रिलेटेड सिंगिंग एक्टिविटीज़ में मैं बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करती थी। स्कूल और कॉलेज लेवल में भी स्टेट लेवल तक सब कॉम्पिटिशन्स में भाग लेने का भी मुझे बहुत मौका मिला है और मुझे काफ़ी अवार्ड्स सब जीतने का भी मौका मिला है। तो ये सब ईश्वर के अनुग्रह की वजह से हुआ है। बट मैंने अपने लाइफ जर्नी में कभी ईश्वर की इच्छा क्या है ये जानने की कोशिश नहीं की। मैटिल्डा ने अपने स्कूल और कॉलेज लेवल में बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स और अवार्ड जीते थे, तो उनको लगा कि म्यूजिक इंडस्ट्री में कदम रखना और नाम कमाना बहुत आसान होगा, लेकिन ये लक्ष्य पाना इतना आसान नहीं साबित हुआ। जब मैंने म्यूजिक को एक करियर बनाना चाहा, तो हम उसके लिए और भी अपॉर्चुनिटीज तलाशने लगे। तब अपॉर्चुनिटीज इतने इजीली मिल नहीं रहे थे, तब मैं बहुत ज़्यादा निराश हो गई। मैंने ईश्वर की इच्छा जानने की कोशिश की, ज़्यादा प्रे करना शुरू किया। एक वचन है बाइबल में 1 Peter 5:6, Humble yourselves therefore under God's mighty hand that he may lift you up in due time. इस वचन ने मुझे अपने म्यूजिक लाइफ में एक गोल सेट करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प की है। ऐसे अवसर पे मैंने अपने आप को थोड़ा हम्बल बनाने की कोशिश की। डे टू डे लाइफ में चर्च क्वायर में ज़्यादा पार्टिसिपेट करने लगी और मैंने प्रेयर पे ज़्यादा डिपेंड किया। मैं हम्बल होके अपना लाइफ लीड करना स्टार्ट किया, तो मुझे फिर वापस मुड़ के नहीं देखना पड़ा। मुझे पता चला कि ईश्वर पे भरोसा रखने से, उन पे रिलाई करने से कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। सब कुछ उनके हाथों में, उनके प्लान के हिसाब से सब कुछ होगा। धीरे धीरे मुझे काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलने लगे। हिंदी और मलयालम में लगभग 30 एल्बम मैंने गाए, उसमें से ज़्यादा डिवोशनल सॉन्ग्स थे, ईश्वर की स्तुति के गीत थे। 3 फिल्मों में भी गाने का अवसर मिला मुझे। मैंने काफ़ी ज़्यादा फेमस पर्सनालिटीज़ के साथ, सिंगर्स के साथ स्टेज शेयर किया। ये सब बहुत खुशी की बात थी मेरे लिए, ड्रीम कम ट्रू मोमेंट्स थे ये सब। इट ऑल हैपेंड बिकॉज आई रिलेड ऑन गॉड। रिलेइंग ऑन गॉड इज़ वॉट एक्चुअली हेल्प मी सक्सीड। करुणा का प्रेम है, यीशु का प्रेम, यीशु का प्रेम है। मुझे ये संगीत की जो कला है वो मुझे अपने परिवार में किसी से या जनरेशन्स थ्रू नहीं मिले, इनहेरिटेड नहीं है। ये गॉड गिफ्ट है, मैं ऐसे ही बिलीव करती हूँ। ये जो गॉड ने जो टैलेंट दिया है, जैसे उन्होंने अपने डिसाइपल्स से कहा कि जो तुम्हें टैलेंट दिए जाए उसको बढ़ाने की कोशिश करो, तो मैं चाहती हूँ कि मैं आगे लाइफ में भी ईश्वर की हमेशा स्तुति करूंगी, चर्च क्वायर में और भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करूंगी। और मेरा लक्ष्य ये है कि मैं दूसरों के लाइफ में जो पीड़ा है, जो दुख है, उस टाइम पे जो मेरे गाने हैं उसके लिरिक्स ऐसे हैं कि उनको वो सुनकर पीस और जॉय मिले और वो ईश्वर के ज़्यादा करीब हों। गॉड इज़ द ऑथर एंड परफेक्टर ऑफ माई फेथ। इस छोटे उम्र में मुझे जो भी अचीवमेंट्स और सक्सेस मिला है वो यीशु की कृपा की वजह से है, एंड आई थैंक हिम विद ऑल माई हार्ट।